फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ वर्क इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, काम शुरू करने व अंत का नोटिस किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फॉर्म ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नोटिस ऑफ वर्क इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, कर्मचारियों का रजिस्टर, कार्य की समाप्ति, काम की सूचना किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म बी। खान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए फॉर्म बी रजिस्टर में एक अलग पन्ना होता है जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल दिया हुआ होता है। उस डिटेल में बी फॉर्म सीरियल नंबर होता है, नेम होता है एम्प्लॉयज़ का, डेजिग्नेशन होता है, नौकरी छोड़ने या फिर टर्मिनेट करने का डेट दिया होता है, इनिशियल अपॉइंटमेंट जो डेट का वो लिखा होता है, इस तरह से पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन ओपन कास्ट माइंस इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, ओपन कास्ट माइंस में लगाए गए व्यक्तियों का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फॉर्म डी। ओपन कास्ट माइंस में लगाए गए व्यक्तियों का रजिस्टर फॉर्म डी में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड इज मेंटेन इन, भूमिगत खान में नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एबो ग्राउंड अदर देन ओपन कास्ट वर्किंग इज मेंटेन इन, भूमिगत के ऊपर नियोजित ओपन कास्ट खान के सिवाय व्यक्तियों का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म ई। ओपन कास्ट माइंस को छोड़कर भूमिगत के ऊपर नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर फॉर्म ई में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर का, रजिस्टर ऑफ ओवरटाइम वेजेस इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, ओवरटाइम मजदूरी का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फॉर्म आई। ओवरटाइम वेजेस का जो रजिस्टर है वो फॉर्म आई में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर का, रजिस्टर ऑफ लीव वेजेस अकाउंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैलेंडर वर्ष के दौरान छुट्टी मजदूरी के अकाउंट का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फॉर्म एच। कैलेंडर वर्ष के दौरान छुट्टी मजदूरी के अकाउंट का रजिस्टर फॉर्म एच में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ नंबर का, रजिस्टर ऑफ कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, बदली रेस्ट दिनों का रजिस्टर फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म एफ में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर का, रजिस्टर ऑफ लीव अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैलेंडर वर्ष के दौरान छुट्टी का अकाउंट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म जी। फ्रेंड्स, फॉर्म जी और फॉर्म एच में एकदम माइनर डिफरेंस है, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। कैलेंडर ईयर में लीव अकाउंट का रजिस्टर फॉर्म जी में मेंटेन किया जाता है और लीव वेज अकाउंट का रजिस्टर फॉर्म एच में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ नंबर का, रजिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, मजदूरी सहित छुट्टी के बारे में सूचना किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, फॉर्म एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ नंबर का, रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट की वापसी का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फॉर्म जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ नंबर का, रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, माइनर एक्सीडेंट की वापसी का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फॉर्म के। माइनर एक्सीडेंट के रिटर्न का रजिस्टर फॉर्म के में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन नंबर का, नोटिस ऑफ इनिशियल ऑब्लिक पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन गिवेन इन द फॉर्म ऑफ, इनिशियल या पीरियडिकल डॉक्टरी जांच का नोटिस किस फॉर्म में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म एम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर का, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ इनिशियल ऑब्लिक पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ। इनिशियल या पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सेकेंड और फाइनल नोटिस किस फॉर्म में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फॉर्म एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का, रजिस्टर ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ। नियुक्त किए गए लोगों के डॉक्टरी फिटनेस का स्तर का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्म पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर का, रजिस्टर ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर टू बी एम्प्लॉयड इन माइन इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ। नियुक्त किए जाने वाले लोगों की डॉक्टरी फिटनेस का स्तर का रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म P1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर का, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ। मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर का, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ। मेडिकल री एग्जामिनेशन का रिपोर्ट किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर का, नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई मेडिकल बोर्ड इज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ। मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी जांच की नोटिस किस फॉर्म में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई मेडिकल बोर्ड इज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ। मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी जांच का दूसरा और अंतिम नोटिस किस फॉर्म में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द 31st December इज गिवेन इन द फॉर्म ऑफ। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक विवरण किस फॉर्म में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्म टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, रिकॉर्ड मेंटेन बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो किस फॉर्म में मेंटेन करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फॉर्म यू। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्शन का रिपोर्ट फॉर्म यू में मेंटेन करता है।